गरीब माँ बिरजा रथ हाइकोर्ट मिलला ग्रीन सिग्नल कोरोना काल में गरीब सिंहध्वज नवेम्बर 17 24 जाए माँ बिरजा प्रसिद्ध रथयात्रा किंतु कोरोना कारण नहीं आशंका किंतु कोरोना कटकणा भितर रथयात्रा करने को दावी होता हाइकोर्ट द्वारस्थ होता मंदिर मुक्ति मंडप दायर होता तीनोटी जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करिछन्ति कोर्ट जहार राय शुणाई रथयात्रा सपक्ष में कहते कोविड गाइडलाइन मानि गरीब रथ जाजपुर जिलापाल मंदिर प्रशासन को निर्देश जनाइछन्ति हाइकोर्ट बर्तमान ऑनरेबल हाइकोर्ट रो डिसीजन आसला से जजमेंट रे वेट करू जजमेंट रे जे अनुसार जो गाइडलाइन आसला ऑनरेबल हाइकोर्ट रे से गाइडलाइन अनुसार हम कंप्लीट एसओपी जो अच्छी डिटेल करेंगे और बेसिक जो गाइडलाइन हमर जेमती पूरी रथयात्रा रे फॉलो होइतला सेमती ही फॉलो करके हम पीसफुली यही जो ट्रेडिशन अच्छी ताको कंटिन्यू कर निश्चित रूप में हाइकोर्ट के पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करूछु कारण हमें मासे तले जो हाइकोर्ट पर प्रेयर करूँ माँ बीरिया रथयात्रा हो सारा भारत बर्ष देवीपीठ से कौटी रथयात्रा आयोजन करान जाए बीरिया माँ का रथयात्रा आयोजन कराए तो आम ये रथ अधिवास कर्म सरी आगामी 17 तारीख रथ चालना अच्छी बहुत आशा आशंका भितर थी रथ चलो कि ना जो मानवर उच्च न्यायालय जो आदेश देखते कृतज्ञता ज्ञापन करवर उच्च न्यायालय जाजपुर बीरजा मंदिर सिंहध्वज रथयात्रा को मिलला अनुमति कोविड गाइडलाइन रे रथयात्रा करने को जिलापाल हाइकोर्ट का निर्देश नवंबर 17-24 तारीख जाए हेबो रथयात्रा रथयात्रा हेबा नै हाइकोर्ट को द्वारस्थ होइतिला मंदिर मुक्ति मंडप आज मा श्री श्रीमा बीरजंक मुक्ति मंडप सेवा परिषद एवं सुनानी थला माननीय हाइकोर्ट रे सुनानी रे जोथरे के राज्य सरकार पाराग्राफ 2-4-6 रे परोक्ष रे मानि नै थिले जे रथयात्रा जहाँ आम पिटिशन दाखल करूँ जे किसी परंपरा अच्छी विधि अच्छी जहाँ मंदिर भितर करना तेणी रथयात्रा अनुषित होगा निहाती जरूरी एवं शेषे राज्य सरकार गोटे दाबी रखी थे कोविड गाइडलाइन कोरोना भाईरस स्प्रेड कर संभावना अच्छी पब्लिक गैदरिंग भी संभावना अच्छी उभय पक्षर विचार को शुणी मान्यवर कोर्ट आज जाजपुर जिला कलेक्टर को बीरजा रथयात्रा कोविड गाइडलाइन मध्य अनुषित कराइवाई निर्देश प्रदान कर कोरोना काल में बंद होता लिंगराज रुकुणा रथयात्रा किंतु कटकणा भितर पूरी में होता घोष यात्रा वर्तमान समान ढंग से जाजपुर बीरजा रथयात्रा आयोजन होबो जाजपुर परमेश्वर ब्रोगिया कटक विश्वजित दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।